दोस्तों आज मैं एक ऐसी डिश बनाने जा रही हूँ जो सभी की फेवरेट है और वो है समोसा। और होममेड समोसा कैसे बनाते हैं वो भी क्रिस्पी बाहर जैसा, तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो आइए देखते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, एक बाउल मैदा लिया है। ये तीन आलू मैंने उबले हुए लिए हैं। ये मटर, हरा मटर लिया है मैंने आधा बाउल, वो भी मैंने उबाल के रखा है तैयार। ये हरी मिर्च है तीन जो मैंने चॉप की हुई है। ये मैंने आमचूर पाउडर लिया है 2 टीस्पून। ये मैंने घी लिया है 1.5 टेबल स्पून जो देसी घी है। ये मैंने आधा टुकड़ा अदरक का कसा हुआ लिया है। ये धनिया लिया है मैंने चॉप किया हुआ। ये चाट मसाला लिया 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून जितना मैंने जीरा पाउडर लिया है और ये है नमक। और आगे देखते हैं मसालों में। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, 2 टीस्पून जितना मैंने धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जितना मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिया है और 2 टीस्पून जितना मैंने अखा धनिया लिया है। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे, उसके लिए लेंगे एक बाउल मैदा। उसमें डालेंगे हम घी, 1.5 टेबल स्पून जितना घी डालेंगे। नमक डालेंगे। ये मैंने अजवाइन मेंशन नहीं किया, वो अजवाइन डालेंगे इसमें। अब आटा गूंदेंगे। और आटा गूंदने के लिए हमने फ्रिज का ठंडा पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के गूंदेंगे। आटा जरा कड़क रखना है। तो दोस्तों हमारा आटा गूंद चुका है। आटा हमें जरा कड़क रखना है। इसे अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे, सबसे पहले मसाला बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने गैस ऑन किया है, फ्राइंग पैन में हम तेल डालेंगे। आधा टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। अब मसालों में ये जो मैंने अखा धनिया लिया है वो क्रश करना है, थोड़ा सा सौंफ और जीरा, ये तीनों चीजों को हमें थोड़ा सा क्रश करना है। इसे बारीक नहीं करना है हमें। इस तरह हमें क्रश करना है। अब इसे हमें तेल में डालना है। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी हींग डालेंगे। चॉप की हुई हरी मिर्च। अदरक की पेस्ट। Thank you.
मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, करके डालना है उसमें, उसे ज्यादा क्रश नहीं करना है, थोड़ा बड़ा रखना है। इसमें डालेंगे हरा मटर, नमक डालेंगे, तो हमने आलू और मटर मिक्स कर लिया है, सभी मसाले भी मिक्स कर दिए हैं। अब उसमें डालेंगे हम हरा धनिया, चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, और आमचूर पाउडर डालेंगे, इसे बराबर मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला स्टफिंग का रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे समोसे, गैस ऑफ कर लेंगे। तो दोस्तों, यह समोसे का स्टफिंग मैंने 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखा था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और ये जो आटा मैंने गुना था, रेस्ट के लिए रखा था, उसके मैंने एक सरीखे लुए बनाए हैं। अब हम बनाएंगे, स्टफिंग करेंगे। हमें इसे बीच में से काटना है और एक साइड में हमें ऐसे स्ट्रिप्स काटने हैं, पतली पतली। के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है जिससे चिपक जाए। अब ये जो आधा पोर्शन है, ये इसके ऊपर हमें चिपकाना है। स्टफिंग करना है, बनाना है। तो दोस्तों,
इसी तरह मैंने सभी समोसे बना के रेडी कर दिए हैं। अब इसे हमें तलना है। इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे तलना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन तलना है बिल्कुल धीमी आंच पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। हमारी आज की रेसिपी होममेड क्रिस्पी समोसा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम फिर पेश होंगे।